हाई एवरी वन दिस इज वोने का आज का टॉपिक डिस्कशन का स्पुतनिक वी पे है बहुत लोग इसको फाइव पढ़ते हैं बट ये वी है एंड इट स्टैंड फॉर वैक्सीन ओके तो इंडिया का थर्ड कोविड वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इससे पहले कोवैक्सीन कोविशील्ड थे अब थर्ड वैक्सीन आ गया आपका स्पुतनिक वी जो कि रशिया से लिया गया है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कोई भी आपकी क्वेरी हो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए ये स्पुटनिक वी का आप एक ट्वीट देख सकते हैं डेट है फोर्टीनथ में पहले जो शॉर्ट्स हैं स्पुटनिक वी के वो फाइनली इंडिया में लोगों को लगने शुरू हो गए हैं एज अ कोविड वैक्सीन और डॉक्टर लेडी रेडी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो इनको इंडिया में लेके आया उन्होंने लॉन्च किया है स्पुटनिक वी इंडिया में जो वैक्सीन है सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव कोविड नाइन्टीन जैब है हमारे देश में सबसे ज़्यादा महंगा कोवैक्सिन है उसके बाद स्पुटनिक है उसके बाद कोविशील्ड है अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्पुटनिक वैक्सीन काम कैसे करता है इसके पीछे की साइंस क्या है इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जब बात हुई थी कि स्पुटनिक भी इंडिया में आएगा तो ये जब आप पी मेरे वीडियो का मेरे टेलीग्राम चैनल से लें आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला वीडियो का लिंक खुल जाएगा हाउ स्पुटनिक वर्क अगेंस्ट कोरोना तो यहाँ पर डिटेल फिफ्टीन मिनट्स में मैंने समझाया है कि किस तरह से वैक्सीन स्पुटनिक वैक्सीन कोरोना वायरस को मारती है उसके खिलाफ काम करती है फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में स्पुटनिक वी क्या है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट एपिडेमिया ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी इन मॉस्को उन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया है दो डोजेज में कोविड नाइन्टीन वैक्सीन जो है स्पुटनिक वी ये लगती है जैसे को कोवैक्सिन कोविशील्ड की दो दो डोजेज लगती हैं इसकी भी दो डोजेज लगती हैं एक वैक्सीन है दुनिया में जिसका एक डोज लगता है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन वाली जो है ओके okay? ऐसे और भी होंगी फेमस वालों की बात बता रही हूँ मैं आपको अब देखिए कोविशील्ड द मोस्ट वाइडली यूज वैक्सीन इन इंडिया अभी तक सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुई है वो कोविशील्ड है जब से गवर्नमेंट का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ है ये आप गैमल्या का सेंटर देख सकते हैं ये वही सेंटर है जिन्होंने इस uh, uh, जो ये स्पुटनिक वी वैक्सीन है जिसको डेवलप किया है अब आगे देखिए कोविशील्ड में क्या यूज़ होता है एटीन्यूएटेड वायरस या आप कह लीजिए कि कोरोना वायरस को वीकेंड स्टेट पे हम यूज़ करते हैं अब यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है एडीनो वायरस स्पुटनिक वी में हम क्या यूज़ कर, यूज कर रहे हैं एडीनो वायरस यूज़ कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया इसके दो शॉट्स लगते हैं फर्स्ट शॉट एंड सेकेंड शॉट दोनों शॉट्स में स्पुटनिक वी के अलग अलग एडीनो वायरस जो है वीकेंड स्टेट में दिया जाता है अब ये जो एडीनो वायरस है बेसिकली डी एन ए वायरसेस होते हैं जो ह्यूम में कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं इनको एज अ वैक्टर यूज किया जाता है वैक्टर हो गया एक समझ लीजिए कि गाड़ी तो आप सोचेंगे कि अब ये अगर कॉमन कोल्ड कॉज करता है तो ये कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ता होगा कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा अब इस वैक्टर में हम एक कोड डाल के भेजते हैं वो कोड क्या है कोरोना वायरस का एस प्रोटीन जो है स्पाइक प्रोटीन जो है उसका कोड है ओके okay? जो उसका कोड है उसको इस वेक्टर में लोड करके बॉडी में भेजा जाता है और ये जो वेक्टर है जो कि एक वायरस है एडिनो वायरस ये वीकेंड स्टेट में रहता है और फाइनली जैसे स्पाइक प्रोटीन का कोड हमारी बॉडी में जाएगा और वो क्या बनाएगा आगे प्रोटीन्स बनाएगा बॉडी को लगेगा कि शायद कोई इन्फेक्शन हो गया इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और आपकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, राइट क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन ही कोरोना वायरस की है जो ह्यूमन सेल्स में पेनिट्रेट करके ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करती है तो इस तरीके से स्पुटनिक वी जो है वैक्सीन को तैयार किया गया है बाकी आप वीडियो डिटेल के लिए देख सकते हैं वो वाली अब देखिए ये जो वैक्सीन है इसकी एफिशिएंसी कितनी है 91 परसेंट एफिशिएंसी इसकी मानी जा रही है अगर जो रिसर्च पेपर की माने लैंडसेट जर्नल में जो पब्लिश हुआ था इसका ये मतलब है कि इसकी एबिलिटी है जो सिम्टोमेटिक कोविड नाइन्टीन केसेस हैं उनको ये कम कर सकता है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बताई गई है और कहाँ पे लॉन्च हुआ है स्पुटनिक वी जैसे ही इसको सेंट्रल ड्रग्स लेबॉरट्री से इंडिया की क्लियरेंस मिला है काफ़ी टेस्ट वैक्सीन की क्वालिटी पे हुए हैं स्टेबिलिटी पे हुए हैं तो पहली डोजेज़ जो हैं इसकी हैदराबाद में लोगों को लगाई गई हैं अब देखिए कितनी डोजेज इंडिया को आएंगी हाउ मनी डोजेज विल स्पुतनिक एड टू इंडियाज वैक्सीनेशन एफर्ट्स जो ऑलरेडी हमारे एफर्ट्स इंडिया के चल रहे हैं कोवैक्न कोविशील्ड के साथ साथ स्पुटनिक कितने वैक्सीन यहां पे आएंगी अभी तक हमको आप देख सकते हैं वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डोजेस जो है वैक्सीन की रशिया से मिली हैं, लेकिन जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाकी की डोजेस भी मिलेंगी एक अग्रीमेंट साइन हुआ है किसके साथ रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ आर के साथ आ, जो कि वैक्सीन के सारे इंचार्ज हैं रशिया में कितनी वैक्सीन किस कंट्री में जानी है तो इंडिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 250 मिलियन डोजेज़ इसकी पहुंचेंगी जिससे अराउंड 125 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट किया जाएगा लेकिन कब पहुंचेंगी और डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये अभी तक अनक्लियर है बट जल्द ही ये वैक्सीन भी पहुँचेंगी अब देखिए कैपेसिटी टू मेक अराउंड एट मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन इज ऑल्सो बिंग सेटअप इन इंडिया अब इंडिया में जैसे आपको पता है कोविड नाइन्टीन के चलते सेकेंड वेव के चलते वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो काफ़ी हुई है तो यहाँ पे इंडिया कोशिश कर रहा है ऑलरेडी इन प्रोसेस है कि 850 मिलियन डोसेज जो वैक्सीन की बनाई जाए बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ वो सेटअप कर रही हैं इस तरह के प्लांट्स और जो कंपनी है जो क्लोजली आ, यहाँ पे मैं स्पुटनिक जो कंपनी डेवलप कर रही है उसकी बात कर रही हूँ इंडिया के सिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही है ताकि स्मूथ सप्लाई स्पुटनिक वी की इंडिया में चलती रहे उसके बाद आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड 36 करोड़ इंडियंस विल गेट रशियन कोविड वैक्सीन तो अगर जितनी वैक्सीन्स इन्होंने प्रॉमिस किए हैं रशियन इंडिया को देने के लिए वो सब डोजेज यहाँ पहुँचती हैं तो अराउंड थर्टी करोड़ इंडियंस जो हैं हम लोग जिनको वैक्सीन मिलेगी वो स्पुटनिक वी होगी बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 मार्च 2022 तक इंडिया में 36 करोड़ लोगों को स्पुटनिक वी वैक्सीन दी जाएगी मिलियंस ऑफ डोजेज हैं ऑब्वियसली अब वैक्सीन की कॉस्ट पे बात करें तो मैंने कहा सेकेंड मोस्ट महंगी आप कह सकते हैं स्पुटनिक वी इंडिया में है पहले कोवैक्सिन है इंपोर्टेड वैक्सीन इसका प्राइस है 948 पर डोज लेकिन जब जीएसटी लगता है तो 995.40 पर डोज ये कॉस्ट इसकी पड़ेगी और हो सकता है जब लोकल सप्लाइज शुरू हो तो इसका प्राइस कम हो जाए अब प्राइस को अगर हम कंपेयर करेंगे कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर कर रहा है सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस चीपर देन स्पुटिक वी एट मोमेंट एंड इट इज़ प्रोवाइडेड टू स्टेट एट रुपीज़ पर डोज तो कोविशील्ड रुपीज़ पर डोज में मिल रही है और 600 uh, पर डोज में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी जा रही है और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन जो है जो इंडिया में सबसे महंगी वैक्सीन है उसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो 400 पर डोज है और इसको 1200 पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया जा रहा है तो देखिए 400 uh, जो ये प्राइस आप बोलेंगे महंगी कैसे हो गई ये गवर्नमेंट का प्राइस है जो स्टेट्स को दिया जा रहा है अगर आप प्राइवेट लगाने जाएंगे प्राइवेट लेबॉटरीज या हॉस्पिटल्स को ये ट्वेल्व पर डोज में दिया जा रहा है और स्पुतनिक का अगर प्राइस आप देखेंगे तो नाइन नाइन्टी फाइव है और सिक्स हंड्रेड आप देख सकते हैं कोविशील्ड का प्राइवेट में प्राइस है इसलिए इसको सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव वैक्सीन कहा गया है अब देखिए सिर्फ स्पुटनिक वी की बात नहीं है इंडिया कोशिश कर रहा है कि बाकी की वैक्सीन को भी इंडिया में लाया जाए जैसे कि मॉडर्ना है और जो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव है जहां पे आ, अलग अलग देशों की सक्सेसफुल वैक्सीन को आ, हमारी कंट्री में प्रोवाइड किया जाएगा इन इनिशिएटिव्स पे काम किया जा रहा है पहले तो यूएस ने जैसे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए थे रॉ मटेरियल के इंडिया को भेजने में लेकिन फाइनली वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि वैक्सीन का जो भी शॉर्टेज है जल्द ही पूरा होगा तो यही था डिस्कशन आज का जहां पर हमने स्पुटनिक वी वैक्सीन के बारे में देखा स्पुटनिक वैक्सीन के बारे में देखा जो इंडिया में शुरू हुई है थर्ड वैक्सीन इसका एक इन जनरल मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करती है डिटेल्ड वीडियो का लिंक दिया आप उससे कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे हमने कुछ डेटा और फैक्ट्स के बारे में पढ़ा कि कितनी वैक्सीन इंडिया में आएंगी और इनके प्राइजेस क्या हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए अप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी थैंक यू सो मच